नमस्कार दोस्तों, आरजे कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरजे कंप्यूटर टेक। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कोरल ड्रा में न्यू फाइल न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं और जो प्रॉपर्टीज बार में कुछ सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, नया पेज लेने के लिए, कट पेस्ट करने के लिए जो भी मेनू है उसके बारे में आप लोगों को बताया। और आज के तीसरा पार्ट है वीडियो का। तो इस पार्ट में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आप नया पेज और पेज की साइज कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से मान लीजिए कट कर दे रहे हैं और इसमें जो ये शो कर रहा है एरिया, ये हमारा पेज है और ये पेज हमारा जो भी पेज है उसका नाम यहाँ पे शो कर रहा है कि ये हमारा पेज लेटर साइज़ का पेज है। तो पेज साइज में हम जाकर इसको अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से कस्टम A4 लीगल A3 लेटर जो भी हमको ज़रूरत है जिसकी भी उसको हम यहाँ से लेकर सेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर A4 पेपर का ही ज़्यादा वर्क होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे A4 पेज सेट करेंगे तो इसकी साइज जो है यहाँ पे मेजरमेंट यहाँ पे इसका शो करने लगा जो कि mm में शो हो रहा है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप इंच में कर सकते हैं, इंच में कर देंगे तो इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों इंच में शो होने लगेंगी। और इसको आप पॉइंट में, पिक्सल में, डॉट में, फिट में, जिसमें भी आप चाहते हैं उसमें सेव कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है ये हमारा पेज को प्रोटेक्ट एवं लैंडस्केप के लिए। तो ऑलरेडी हमारा ये पेज प्रोटेक्ट है और इसको लैंडस्केप करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज लैंडस्केप हो जाएगा। तो अगला जो ऑप्शन आता है ये हमारा है, इसे मान लीजिए हम कोई भी पेज लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज लेते हैं तो दूसरा पेज भी हमारा A4 ही रहेगा। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हम कोई भी पेज लेंगे वो हमारा पेज इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो पेज चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये A4 पेज है तीसरा और यहाँ से हम कस्ट लेटर पे कर देते हैं और देखिए तीसरा हमारा लेटर पेज है और दूसरा हमारा पेज है A4। और अगर इस पर क्लिक करने का मतलब यही रहता है कि आप जितने भी यहाँ पे पेज ले रहेंगे 1, 2, 3 उसको अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम कर देते हैं लीगल। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पहला जो पेज है वो लीगल है और दूसरा A4 है और तीसरा लेटर है। अगर ये इस पर क्लिक रहेगा तो हमारा जो भी पेज रहेगा सब A4 ही रहेगा। जो भी हम नया पेज लेंगे वो जो पहले वाला पेज है वही वाला पेज नेक्स्ट वाला भी पेज आएगा। और उसके बाद ये हमारा यूनिट है जिसमें आप लोग जान चुके हैं कि इसको हम पेज की साइज का को इंच मिलीमीटर फीट डॉट में सेट करने के लिए है। तो इसके बाद वो हमारा आता है यहाँ से टूल मेनू। तो टूल मेनू है इसके बारे में मैं आप लोगों को सीरियल बाय सीरियल एक एक करके बताऊंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में पेज के बारे में, पेज सेटअप के बारे में और उसके साइज़ के बारे में और पोर्ट्रेट लैंडस्केप के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके टूल के बारे में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।